छेड़ेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं, ये क्योंकि इसके काटने के बाद से सिर्फ एंटी वेनम से ही आपकी प्राण बच सकती है, ना कि किसी तांत्रिक। आदमी को सांप से नहीं सांप के नाम से डर होता है। सिर्फ इन सांपों के पास कोई मड़ी नहीं होता है, बहुत लोग। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम आए हैं सांप का रेस्क्यू करने, और ये भाई साहब बताएंगे, यही हमको कॉल करके बुलाए हैं कि कहाँ एड्रेस है, तो बताइए आप। धन्यवाद, मेरा नाम है विपिन कुमार, और सर को हम फोन किए हैं तो 30-40 किलोमीटर से सर आए हैं, और ये सांप को रेस्क्यू करेंगे रतन सराय बनवे टोला में। तो चलिए आप लोग को सर दिखलाते हैं कैसे रेस्क्यू किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हेलो, कि सांप का रेस्क्यू करने के लिए हमें कॉल किए हैं और हम आए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, सांप का रेस्क्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। पानी चलाया जा रहा है, सांप है। बाबू हट जा, देखिए हट जा। भैया साइड हट जाइए ना, आप उधर चले जाइए। हेलो दोस्तों, देखिए बहुत जद्दोजहद के बाद तो दोस्तों देख लीजिए, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। अपने बिहार में लोग इसे गेहुवन के नाम से जानते हैं, कहीं नाग और कहीं कोबरा, और उत्तर प्रदेश में लोग इसे खिटार कहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, बहुत ये बड़े साइज का है। देख लीजिए इसकी लंबाई भी आप देख सकते हैं, ये लगभग मेरे शरीर का बराबर है। देख लीजिए, और दोस्तों इसके काटने के बाद कुछ नहीं होता है, सिर्फ मौत होती है। तो दोस्तों ऐसे सांप अगर आपके घरों के आसपास दिखते हैं तो इसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि आप अगर
छेड़छाड़ करेंगे तो उसको कहते हैं कि इसको छेड़ेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं, ये तुरंत बाइट कर लेगा। देखिए तो दोस्तों इसमें जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिन नामक पाया जाता है। इसमें जो वेनम होता है न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। इसके काटने के बाद बताते हैं कि लक्षण क्या होती है। अगर सांप जहरीला सांप काटता है आपको जिसमें कोबरा करैत हाइपर अगर आपको काटता है तो कोबरा और करैत का काटा हो दोस्तों ये जहाँ पर काटता है वहाँ पर सूजन हो जाता है। तो दोस्तों इसके काटने के बाद से पेट में दर्द, उल्टी, नींद आना और गला सूखना और जहाँ पर काटता है वहाँ पर सूजन हो जाता है और पेट में बहुत तेज दर्द होता है और नींद आने लगता है। इसकी काटने का लक्षण यही है दोस्तों। तो गर्मी शुरू हो गया है और इस गर्मी में जितने भी रेप्टाइल है वो भोजन के तलाश में हमारे घरों के अंदर या घरों के आसपास चले जाते हैं। दोस्तों इसका मुख्य जो भोजन होता है वो चूहा होता है और चूहे के तलाश में ही ये हमारे घर में या घर के आसपास आते हैं। दोस्तों जब से ये इस कुआं के अंदर गिरा होगा इस कुएं में इसको भोजन नजर नहीं आता होगा, इसका सिर्फ जा नजर आता होगा, ये सिर्फ भगने के तलाश में ही रहता होगा। और देख लीजिए लगभग 3-4 रोज से ये इस कुआं के अंदर गिरा था जिससे कि सिर्फ भगने के ही फिराक में। देखिए कैसे ये भग रहा है। ऐसे में अगर आप सांप काटते हैं ऐसे में अगर कोबरा या करैत, ये कोबरा को लोग ह्यूमर कहते हैं, अगर ये सांप काट लेता है तो आप किसी तांत्रिक, किसी ओझे को नहीं, किसी बाबा के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि अगर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी जिंदगी झड़ा जाएगी, क्योंकि इसके काटने के बाद से सिर्फ एंटी वेनम से ही आपकी प्राण बच सकती है, ना कि किसी तांत्रिक, किसी ओझे गुनी के तावीज। अगर हाँ वैसा कोई बाबा है तावीज जो देते हैं सांप के काटने के बाद से ठीक हो जाता है तो हमसे मुलाकात कराइए। अगर इसके काटा हुआ झाड़ फूक कर ठीक कर देंगे तो मेरे तरफ से 5 लाख का इनाम है। अगर ये सांप काट लेगा अगर झाड़ फूक कर ठीक कर देंगे तो दोस्तों आप लोग अंधविश्वास में ना रहे। देखिए इसके माइंड नहीं है छतर उगाने का, इसीलिए थोड़ा ये सिर्फ भगने की तलाश में। अभी देख लीजिए और दोस्तों ये काफी डर गया है इसी कारण ये सिर्फ भगने के ही फिराक में है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है अगर सांपों के प्रति कोई प्रश्न आपके दिमाग में है, दिलों दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं, हम बता दें। अगर किन्हीं के दिमाग में है सांपों के प्रति कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। देखिए भैया का प्रश्न है कि इसके काटने के बाद से कितना देर तक आदमी जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों इसके काटने के बाद से अगर ये वेनम 16, 18, 40 मिलीग्राम अगर जहर हमारे शरीर में रिलीज कर देता है तो लगभग 45 से 1 घंटा के अंदर हमारी मौत हो जाती है। दोस्तों लोग सांप के जहर से बहुत कम मरते हैं लेकिन हार्ट अटैक से ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि आदमी को सांप से नहीं सांप के नाम से डर होता है। सिर्फ जैसे पनिया सांप काट लेता है या धामन सांप काट लेता है, अजगर काट लेता है, एक डोरी वाला सांप होता है जिसे बिहार में लोग अपने गेहूं सॉरी लावना सांप कहते हैं, तो ये सांप काट लेते हैं तो इनके काटने से मौत नहीं होती है क्योंकि ये बिना जहर वाले होते हैं। लेकिन अगर आदमी डर जाता है तो ही आदमी का हार्ट अटैक आता है यानी कि कार्डियक अरेस्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। ठीक है दोस्तों देख लीजिए इतना ये खाया पिया परिवार से आप देख सकते हैं। देखिए बहुत मोटा ताजा है दोस्तों, ये लगभग 25 से 28 साल की उम्र में आ चुका है। देख लीजिए कितना उम्र होगा इसका। देखिए
तो दोस्तों इसका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, और पानी में ज्यादा रहने के कारण ही इसकी जो स्किन है और सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा ये धीमा हो गया, धीमा हो गया। तो दोस्तों इन सांपों के पास कोई मड़ी नहीं होता है। बहुत लोग फिल्म देखकर ये अपने मन में बैठा लेते हैं कि सांप के पास मड़ी होता है, ये सांप के पास किसी प्रकार का मड़ी नहीं होता है, और सांप के पास कोई ऐसा परंपरा नहीं है कि सांप अगर दो सांप एक को मार देगा तो एक बदला लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ अंधविश्वास है कि इसके पास मड़ी होता है। देखिए, और दोस्तों ये दूध भी नहीं पीता है, ये दूध नहीं पीता है। अगर इसको आप दूध पिला देते हैं तो 3 से 5 दिनों के अंदर इसकी मौत हो जाती है, क्योंकि दूध को पचाने वाला जो ग्लैंड्स होता है वो सांप के पास नहीं पाया जाता है। शॉकिंग करने वाला चीज होता है, इसके पास नहीं है। और दुनिया में जिस जीव जंतु का जीव अगर ऐसे भी जैसा है, दो भाग में बटा हुआ है, वो दूध नहीं पिएगा। अगर गलती से दूध आप पिला भी देते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं कि इस बेजुबान को बचाने के लिए हमें कॉल की है, और हम लगभग 40 किलोमीटर दूरी से आए इस सांप का रेस्क्यू करने। तो चलिए दोस्तों इसको डब्बे के अंदर रखते हैं। इस बार की घड़िया समाप्त होती है, इसे हम डब्बे के अंदर पैक करते हैं। तो दोस्तों ये देखकर आप अपने घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटने के बाद से मालूम है कि पूरी सब्जी बटती है। देख लीजिए, इसे डब्बे के अंदर हम पैक कर दिए हैं। और ऐसे भी जुबान अगर आपके घरों के आसपास दिखते हैं तो इन्हें मारे नहीं, इन्हें बचाने में हमारा साथ दें। दोस्तों हमारा मकसद ही है सांपों को इंसान से बचाना और इंसान को सांपों से बचाना। तो दोस्तों इस मुहिम में हम जुड़े हुए हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देखते हैं उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों इन बेजुबानों को बचाने के लिए हम बहुत काफी दूर दूर तक जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इन बेजुबानों को बचाते हुए आपसे किसी दूसरी वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।